ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। कन्नौज के कटरी क्षेत्र के किसान अन्ना गौवंशों से आतंकित हैं। यहां किसान रात रात भर जाकर अन्ना गौवंशों से फसलों की रक्षा कर रहे हैं, उसके बाद भी जरा सा चूकने पर उनकी फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं। आज सुबह ऐसे ही एक किसान रात भर रखवाली करने के बाद घर गया। थोड़ी देर में ही किसी ने उसे खेत में अन्ना सांड घुसे होने की जानकारी दी। जब किसान सांड को भगाने गया तो उसने हमला कर दिया। किसी तरह पास खेतों में कार्य कर रहे किसानों ने उसकी जान बचाई। कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र के दुर्जनापुर गांव के किसान दुर्गा नारायण दुबे पर अन्ना सांड ने यह हमला किया। जब वह मक्का की फसल राउंड रहे सांड को भगाने के लिए खेत में घुसे तो हिंसक सांड ने उन पर हमला कर दिया और जमीन पर गिरा दिया। दुर्गा नारायण के चीखने पर आसपास खेतों में काम कर रहे दूसरे किसानों ने सांड को खदेड़ उसकी जान बचाई। घायल किसान को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अन्ना सांडों के आतंक से भयभीत और परेशान किसानों का कहना है कि गंगा में पानी कम होने से हरदोई जिले से भी अन्ना गौवंश आकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वह अन्ना गौवंशों को ना पकड़े जाने पर भी आक्रोशित है। दुर्गा नारायण दुबे, घटना हमारे साहब ये हुई कि रात रात भर जगते हैं तो और पशु खेत में घुस जाते हैं। खेत में घुस गए, हमने कहा लाओ, जब तक घर से होते आते हैं थोड़ा घर से गए तो देखा उसमें घुसे हुए थे जानवर, तो वो मारने हमने छीटा उठाया थोड़ा छोटा सा और मारा उसके फेंक के, तो उन्होंने हमको घेर लिया, हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमारी पसली में दुनिया मारी, ये गर्दन में ये चोट है, सूजन ये मारी, यहाँ ये पैर में ये। तो कैसे बचे भाई आप? गांव वालों ने जो है दौड़े दौड़ाए, चार छह लोग खड़े थे वहाँ खेत, वो भी रखवाली कर रहे थे। हाँ, वो भी रखवाली थे, वो लोग दौड़े। जब कितने जानवर होंगे? जानवर थे 6-7-8 जानवर थे रहे। जी हाँ, और उसमें मारू जानवर भी है, दो दो सांड है, वो मारू है, बहुत मारते हैं। क्या नाम है? जैसे नजदीक में जाते सांड है, सांड है, सांड। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है दुर्गा नारायण दुबे। दुर्गा नारायण दुबे कहाँ रहते हो? दुर्जनापुर। आपका? श्याम बहादुर दुबे। क्या अन्ना पशु से लेकर श्याम बहादुर दुबे? हाँ, अन्ना पशु को लेकर क्या समस्या आ रही है? अन्ना पशु जो है हमारे यहाँ कटरी में लगातार और वन विभाग के थोड़े पेड़ लगे हैं, इस वजह से वहाँ रुके रहते हैं और फसलें चट कर जाते हैं। जंगली सुअर भी इस समय आ रहे हैं, वो भी मक्का खा जाते हैं, मूँगफली खा जाते हैं। तो कैसे आ रहे हैं? लगातार नुकसान करते ही रहते हैं। अच्छा, कैसे आ रहे जानवर वहाँ पर? क्या गंगा कम होने के चक्कर पानी आ रहे जानवर? हाँ, गंगा जब कम हो जाती है तो उस पार से भी इस पार आ जाते हैं। अच्छा, बिलग्राम वाले भी इधर आ जाते हैं? हाँ, बिलग्राम वाले भी सामने कटरी से। हाँ, गंगा जी इस समय कम है तो काफ़ी जानवर उधर से भी आ जाते हैं। लगभग कितनी संख्या में जानवर आते हैं? लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा है, 2 दर्जन के होगी। अच्छा, तो इसको लेकर आला अधिकारियों ने अभी तक ध्यान दिया इस मामले को? अभी नहीं ध्यान दिया, पकड़े जाते हैं, वो पकड़ने के बाद छोड़ देते हैं। कांग मामला है? हाँ, और दो सांड तो ऐसे हैं जो मारते हैं लोगों को। कांग मामला है? कांग मामला है दादा? दुर्जनापुर। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।